नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 14 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 268 से लेकर 294A तक। ठीक है जी, इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मोरल्स। ठीक है जी, सबसे पहला जो सेक्शन है 268 वो डिफाइन करता है पब्लिक न्यूसेंस होती क्या है। देखो जी, आपका कोई भी एक्ट या ओमिशन अगर आपके आसपास के लोगों को या फिर जब आप वो कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो उस समय आपके आसपास से गुजरने वाले लोगों को परेशान करता है या कोई इंजरी पहुंचाता है या उनके जीवन को खतरे में डालता है, वो एक पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक है जी, 269 में कहा गया है कि अगर आपके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई भी जो डिसीज़ है वो फैलता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, लोगों को हो जाता है, तो उसकी आपको सज़ा 269 में 6 महीने और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी, 270 के अंदर कहा है कि अगर आपने जानबूझ के इस काम को किया है, किसी बीमारी को फैलाने में आपने जानबूझ कर सहयोग किया है, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकता है। उसके बाद 271 में कहा गया है डिसोबीडियंस टू क्वारंटीन रूल, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें पता चलता है कि कोई बीमारी फैल गई है तो सरकार कुछ नियम लागू करती है कि भैया इस एरिया से कोई गुजरेगा नहीं, कोई व्हीकल नहीं आएगा, कोई व्यक्ति नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसे किसी भी रूल को अगर आप तोड़ते हो, ये COVID-19 में ऐसी ही बहुत सारी नोटिफिकेशन दी गई थी सरकार द्वारा, तो ऐसे अगर किसी भी क्वारंटीन रूल को अगर आप तोड़ते हो तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है और उसकी सज़ा होगी, कितनी सज़ा होगी भैया, 6 महीने और साथ में फाइन हो सकता है। 272 में कहा गया है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इंटेंडेड फॉर सेल, अगर आपने खाद्य पदार्थों में या पेयजल में किसी भी तरीके की मिलावट की है इस इंटेंशन से कि आपको वो बेचनी है, आपको उससे मुनाफा कमाना है, तो वो भी एक ऑफेंस है जिसके अंदर आपको 6 महीने और साथ में फाइन देना पड़ सकता है, 6 महीने की सज़ा हो सकती है। जैसे कि दिवाली के टाइम पे आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़ में आता रहता है कि जी ये मिठाइयों के अंदर मिलावट हो रही है, मावा है और मावे के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला दी गई हैं, है ना। तो और कई बार दूध में मिलावट होती है, घी में, तेल में, सभी चीज़ों में मिलावट होती है इस पर्पज़ से कि एक पर्टिकुलर इंसान कुछ मुनाफा, कुछ पैसे ज़्यादा कमा सके, और उसके उसका नुकसान क्या है, पब्लिक की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो वो एक जो है ऑफेंस है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक, और इसकी सज़ा आपको 6 महीने और साथ में फ़ाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी, 273 में कहा गया है सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, यानी कि अब आपने एडल्ट्रेशन नहीं किया है लेकिन आपको पता है कि जो आप बेच रहे हो वो एडल्ट्रेटेड फूड है या ड्रिंक है, तो वो भी अपने आप में एक अपराध है और उसकी भी सज़ा आपको 6 महीने और साथ में फ़ाइन देना पड़ सकता है। 274 में कहा गया है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन, अगर दवाइयों के अंदर आपकी कंपनी ने, आपकी दवाइयों की कंपनी है और उसने कोई मिलावट की है दवाइयों को बनाने में, जो उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उनकी जगह कुछ और डाल दिया गया है जिसकी वजह से लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता है, तो वो एक अपराध है और उसमें भी आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। और सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, यानी कि आपने एडल्ट्रेशन नहीं किया है लेकिन अगर एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को, एडल्ट्रेटेड मेडिसिन को बेचने का अगर आप काम कर रहे हो तो उसकी भी सेम ही सज़ा होगी। उसके बाद आता है 276 जिसमें कहा गया है सेल ऑफ ड्रग इज़ अ डिफरेंट ड्रग, यानी कि अगर किसी डॉक्टर ने कहा है कि भैया आपको ये मेडिसिन लेनी है, आप वो पर्चा लेके जाते हो मेडिकल शॉप वाले के पास और वो आपको कोई और दवाई पकड़ा देता है और वो कहता है कि भैया ये वही दवाई है जो डॉक्टर साहब ने दी है, और आप उस दवाई को ले लेते हो, है ना, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है जो कि मेडिकल शॉप ओनर ने किया है आपको दूसरी दवाई देकर, ये कहकर कि ये वही दवाई है जो आपको चाहिए जो डॉक्टर साहब ने बताई है, इसकी भी सज़ा 6 महीने और साथ में फ़ाइन है। और इसके बाद 277 आता है जिसमें कहा गया है फाउलिंग ऑफ वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, यानी कि आपने किसी भी पब्लिक के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तालाब को अगर आप गंदा कर रहे हो या ग्राउंड वाटर को आप गंदा कर रहे हो, है ना, कोई भी नहर ज़मीन में जा रही है उसको गंदा कर रहे हो, तो उसकी भी सज़ा है 3 महीने और साथ में ₹500 तक का फाइन आपको हो सकता है। ठीक है जी, 278 में बात की गई है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, अगर आपने कोई फैक्ट्री खोल ली है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, एटमॉस्फेयर गंदा हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। 279 में कहा गया है कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, है ना, नेग्लिजेंटली पब्लिक वे के ऊपर, जो भी जो पब्लिक के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर अगर आप रैश ड्राइव कर रहे हो और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हो, तो ऐसे केस में आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। 280 कहता है रैश नेविगेशन ऑफ अ वेसल, यानी कि इसी काम को अगर आप समुद्र में कर रहे हो या पानी की किसी भी वाटर बॉडी में कर रहे हो तो वो भी अपराध है और उसकी भी आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है जी, अगला सेक्शन है सेक्शन 281, कहता है एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट और मार्क टू अ
टू मिसलीड द नेविगेटर, यानी कि समुद्र में अगर आप कोई भी फॉल्स लाइट दिखा रहे हो, किसी किसी गलत लाइट को दिखा रहे हो, या कोई ऐसा मार्क बता रहे हो जो कि आप कई बार देखते हो ना समुद्र में, रास्ता कैसे पता चलता है शिप को, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ साइंस होते हैं, तैरते रहते हैं वो अलग अलग जगहों पर, जिससे पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पर है किनारे से, है ना, इस तरीके से। तो अगर आपको किसी भी वेसल को, किसी भी जो वाटर बॉडी में चलने वाला कोई भी व्हीकल है, उसको आप गलत मार्क दिखाते हो या गलत लाइट दिखाते हो, तो ऐसे केस में आपको 7 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी। 282 में कहा गया है, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल, यानी कि अगर कोई भी वाटर बॉडी में चलने वाला व्हीकल ओवरलोडेड है ना, कोई भी अनसेफ है, और उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देता है कि भैया तुम्हें इसी में जाना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसको दूसरे व्यक्ति को, जो जिसको चढ़ाया जा रहा है, उसको जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में भी चढ़ाने वाले व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा और साथ में 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है जी। 283 में कहा गया है, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। अगर कोई भी पब्लिक वे है, उसमें आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप अक्सर देखते होंगे एनक्रोचमेंट हो जाता है, लोग जो है फुटपाथ पे दुकान लगा लेते हैं, उसको रोड तक बढ़ा लेते हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है ना। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा शादियों के मंडप भी गलियों में रास्ता रोक के लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको सज़ा हो सकती है सेक्शन 283 के अंदर, जिसमें आपको 200 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और 284 में कहा गया है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। मान लो आपके बागीचे के अंदर कुछ जहरीले फूल हैं, ना तो आपने उनकी फेंसिंग की है, ना कोई नोटिस लगाया कि ये जहरीले हैं, और कोई इंसान आता है और उनको कंज्यूम कर लेता है, तो उसको अगर कोई भी नुकसान पहुँच रहा है, यानी कि ऐसा खतरा अगर उसको पहुँच रहा है, तो इसका भी ये 284 के अंदर ये क्राइम जो है वो कवर होता है, और 6 महीने की सज़ा आपको मिलेगी। ठीक है जी। 285 में कहा गया है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कम्बस्टेबल मैटर, यानी कि अगर आग या किसी भी जलने वाले पदार्थ के साथ आप कोई नेग्लिजेंस दिखाते हो, जिससे कि दूसरों की लाइफ को खतरा होता है, तो वो भी एक अपराध है, और 6 महीने तक की सज़ा आपको इसमें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना गैस का सिलेंडर खुला छोड़ दिया, या आप सिगरेट पी रहे हो पेट्रोल पंप के पास जाकर, तो वो एक नेग्लिजेंट एक्ट है। ठीक है जी। 286 में कहा गया है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, यानी कि हो सकता है आपकी पटाखे की फैक्ट्री है ना, दिवाली के टाइम पे ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो पटाखे की फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन ना होने की वजह से कई बार आग लग जाती है, लोगों की जो जानें हैं वो चली जाती हैं, और कई बार ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, लेकिन इस पर कोई बहुत ज़्यादा कारगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाने चाहिए, वो कई बार इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो नेग्लिजेंस का पार्ट हैं, आपकी तरफ से, आपकी अगर पटाखे की फैक्ट्री है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें काम करने वाले हर एक व्यक्ति को और आसपास के लोगों को आप सेफ्टी प्रोवाइड करें, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको 6 महीने की सज़ा और साथ में 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, अगर आपने नेग्लिजेंस बरती है, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया है। ठीक है जी। अगला है 287, जिसके अंदर बात की गई है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी। मशीनरी क्या है? मान लो आपकी कोई गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हो, आपको पता है कि उसके ब्रेक जो हैं बहुत लूज़ हैं, एकदम से लगते नहीं हैं, फिर भी आप उसको फास्ट स्पीड पे चला रहे हो, इतनी फास्ट स्पीड पे कि आपके खुद के कंट्रोल में वो गाड़ी नहीं है, अचानक से कुछ सामने आ सकता है, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऐसे केस में भी आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। 288 में कहा गया है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, यानी कि अगर कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसमें अगर आपने सेफ्टी नॉर्म्स नहीं बरते, अगर उसमें ये गुंजाइश है कि जो वर्कर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो काफ़ी चांसेस हैं कि वो ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, उनको कोई भी खतरा पहुँच सकता है, या खुली तार आपने छोड़ दी है कोई भी बिजली की, तो ऐसे केस में भी आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है जी। 289 में कहा गया है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, यानी कि अगर आपने कोई भी जानवर को पाल रखा है जो कि जंगली है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है पब्लिक को, ऐसे केस में आपने प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं बरते हैं, हो सकता है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, या तो आप उसको पिंजड़े में डालो, या चेन से बांधो, या कोई भी ऐसा एक्ट करो जिसकी वजह से जो नुकसान वो दूसरे लोगों को पहुंचा सकता है वो ना पहुंचाए, है ना। अगर आप इस चीज़ में नेग्लिजेंस बरतते हो, तो आप 289 के अंदर कवर हो जाओगे और 6 महीने तक की सज़ा आपको हो सकती है। 290 के अंदर दी गई है, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि जितनी भी बातें अगर अभी तक हमने की हैं, अगर उसमें कोई भी एक्ट या ओमिशन ऐसा है जो कि कवर नहीं होता है और पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आता है, तो ऐसे केस में आपको फाइन होगा 200 रुपये तक का। ठीक है जी।
291 में कहा गया है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू। अगर कोई भी न्यूसेंस आप कर रहे हो, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो और आपको उसको बंद करने का की कमांड दी गई है सरकारी ऑफिसर द्वारा, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको 6 महीने तक की सजा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। 292 में कही गई है बात कि अगर आप कोई भी ऐसा सामान बेच रहे हो या बना रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या एडवर्टाइज़ कर रहे हो जो कि ऑब्सीन है, अश्लील है ना, चाहे वो किताबें हैं, पैम्फलेट है, एडवर्टीजमेंट है या फ्लैक्स है या कोई भी होर्डिंग है, कुछ भी है जो लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे पिक्चर है, वीडियो है, जो भी लोगों के बीच में पहुंच रहा है और वो एक अश्लील ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सज़ा और 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप इस केस को रिपीट करते हो इस चीज़ को, तो 5 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है जी। 293 में कहा गया है सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट थ्रू यंग पर्सन। अगर आप युवा लोगों को, जो कि जिनकी उम्र 20 साल या उससे कम है, ऐसे में उनको अश्लील ऑब्जेक्ट्स पहुंचा रहे हो, तो आप पहली बार इस काम को कर रहे हो तो 3 साल तक की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो 7 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 294 में कहा गया है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेस। अगर आप पब्लिक प्लेस में कोई भी ऐसा अश्लील गाना गा रहे हो या कोई भी एक्ट कर रहे हो जो कि अश्लील है और लोगों को परेशान कर रहा है, लोग आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 3 महीने की सज़ा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 294A, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफिस खोल रखा है जो कि लॉटरी के पर्पज से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें लॉटरी ड्रॉ की जाती है, लेकिन सरकार ने आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दी, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे में ये अपराध है और आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है जी। और अगर कोई भी इंसान आपकी इस लॉटरी ऑफिस में कोई भी मदद कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है उस लॉटरी के अंदर, तो उसको भी 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि ये लॉटरी ऑफिस अपने आप में अवैध है। ठीक है जी। तो ये था आपका चैप्टर 14। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।